हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और बात करें हेलीकॉप्टर्स की, तो ये करीब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरते हैं। वहीं सेसना जैसे छोटे प्लेन्स 10 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरते हैं। लेकिन जब बात आती है बोइंग 737, बोइंग 747 जैसे कमर्शियल प्लेन्स की, तो यहाँ पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ये प्लेन 20-25 हजार फीट पर नहीं बल्कि 30,000 फीट से भी अधिक एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं। कॉन्कॉर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये प्लेन 60,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सकता था। ऐसे में एक सवाल आता है कि क्यों, आखिर क्यों ये प्लेन्स इतने अधिक एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं? क्या इस बात का उन्हें डर नहीं रहता कि धरती से 60,000 फीट ऊपर अगर कुछ हो जाए तो इतने ऊपर से गिरने के बाद प्लेन का क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से समझने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बहुत ही मस्त ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये स्किल दिखाने वाली बिल्कुल ही सेफ गेमिंग ऐप है जहाँ पर रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है जहाँ पर 1 करोड़ से भी अधिक एक्टिव प्लेयर्स हैं। अगर आपको रमी खेलना नहीं आता तो यहाँ पर प्रैक्टिस गेम्स खेलकर सीख भी सकते हो, फिर कैश गेम्स खेलकर पैसे भी जीत सकते हो। इसमें डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल है। फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके पहले डिपॉजिट पर 2,000 का वेलकम बोनस भी मिल सकता है। रमी सर्कल पर रमी खेलना काफी आसान और फोन में भी काफी स्मूथली चलता है, जैसा कि स्क्रीन में भी दिख रहा है। सो गाइस, फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो। इसके बाद रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही 2,000 तक का वेलकम बोनस मिल जाएगा। तो देर किस बात की, रमी खेलो और पैसे जीतो। इस खेल में वित्तीय जोखिम अच्छा मिला और आपको नशीला भी लग सकती है। कृपया खेल को अपने जोखिम पे और जिम्मेदारी पे खेलें। दोस्तों, एक प्लेन के हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने के एक नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे होते हैं। ग्राउंड में प्लेन को ढेर सारे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ होकर गुजरना पड़ता है। ये एयर ड्रैग क्रिएट करता है, यानी कि प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगता है। प्लेन धीमा ना हो इसके लिए पायलट प्लेन के स्पीड को मेंटेन रखता है। ऐसे में फ्यूल की खपत भी अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करते जाते हैं, हवा भी पतली होती जाती है, जिसकी वजह से प्लेन को ढेर सारे एयर मॉलिक्यूल से होकर गुजरना नहीं पड़ता और ड्रैग भी ग्राउंड के कंपैरिजन में कम होने लगता है। इसलिए प्लेन कम फ्यूल खपत करके भी उड़ सकता है। कम ड्रैग के कारण एक और फायदा हो जाता है कि प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर बहुत ही तेजी से उड़ान भर सकता है। 30-40 हजार फीट पर एयर स्टेबल होता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता। मजे से प्लेन उड़ाते जाओ। एटीसी से भी आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है, क्योंकि इतने ऊंचाई पर क्लाउड्स ना के बराबर होते हैं जो कम्युनिकेशन में बाधा डाल सकता है। बादलों में ढेर सारा वाटर ड्रॉप्स होता है और यहाँ का टेम्परेचर -40 से -50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। अगर प्लेन क्लाउड्स के अंदर चला जाए तो इसके सेंसर्स में आइस जम सकती है। इसके बाद ये सेंसर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने लगेगा। ऐसा ही हादसा एक प्लेन के साथ हुआ था। ये प्लेन तूफानी बादलों के अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद इसके सेंसर ने गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया और फिर ये प्लेन क्रैश हो गया। इसलिए तो प्लेन्स इन सभी तूफानी बादलों के ऊपर से फ्लाई करते हैं। इसके अलावा बादलों के ऊपर से उड़ान भरने से प्लेन में टर्बुलेंस भी नहीं होता। कोई पंछी भी इतने ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरती कि वो प्लेन से टकरा जाए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि तूफानी बादल 30,000 फीट से कम एल्टीट्यूड में होते हैं, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, सेंट्रल अमेरिका जैसे कंट्रीज के एयर स्पेस में तूफानी बादल बहुत अधिक एल्टीट्यूड तक भी चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी ये जा सकते हैं। वहीं नॉर्थ और साउथ के एरियाज में तूफानी बादल 30,000 से कम एल्टीट्यूड में ही होते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इसे समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। सपोज दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन का इंजन फेल हो गया। पहला प्लेन 40,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे गिर रहा है, वहीं दूसरा सिर्फ 10,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे गिर रहा है। आपको क्या लगता है, कौन से प्लेन के बचने की संभावना सबसे अधिक है, 10,000 फीट वाला या 40,000 फीट वाला? नीचे कमेंट करके बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, अधिक एल्टीट्यूड में उड़ान भरने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि इंजन फेलियर के दौरान पायलट्स को अधिक समय मिल जाता है प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए। हर प्लेन का अपना अपना ग्लाइड स्लोप होता है। सपोज बोइंग 737 का ग्लाइड स्लोप 17:1 है, यानी कि इंजन फेलियर के बाद ये प्लेन अगर 1 फीट नीचे गिरता है तो ये 17 फीट आगे की ओर जाएगा। यानी कि प्लेन का एल्टीट्यूड जितना अधिक होगा, प्लेन उतना ही अधिक दूरी तय कर पाएगा, यानी कि ग्लाइड कर पाएगा। इसलिए लो एल्टीट्यूड पर इंजन का फेल हो जाना अधिक डेंजरस हो सकता है।
जबकि हाई एल्टीट्यूड पर ऐसा कुछ हुआ तो प्लेन अधिक दूरी तक ग्लाइड कर सकता है और किसी न किसी एयरपोर्ट में जाकर लैंड भी कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन्स को इतने ऊंचाई पर क्यों उड़ाया जाता है। पर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाना हमारे लिए फायदेमंद तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाते जाएं और बस बढ़ाते ही जाएं। ऐसा करने से पैसेंजर्स की जान भी जा सकती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए प्लेन्स को उतने एल्टीट्यूड पर नहीं ले जाया जा सकता जहां पर ये जहरीली गैस पाई जाती है। इवन हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन को ले जाने से एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पर प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इस पॉइंट को कहा जाता है कॉफिन कॉर्नर। इन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि एक प्लेन स्पेस तक फ्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्यों हम बहुत सारे लिमिटेशन से घिरे हुए हैं। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।